तो आज हम बात करेंगे, अगर आपको सी लैंग्वेज के अंदर यूजर ने अरे के अंदर डाटा क्यों दिया हो और वो रैंडम डाटा हो, फॉर एग्जांपल पहले 122 है, फिर 50 23 है, 50 34 है, 55 है, 66 है, मतलब उसका जो ऑर्डर है वो काफ़ी किस्म का डिस्टर्टिंग ऑर्डर है, मतलब वो रैंडम है। आप चाहते हैं कि वो सारा का सेटअप किसी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ जाए, तो आज हम एक ऐसे प्रोग्राम लाएंगे जो कि आपका यूजर से दिया हुआ किसी भी किस्म का जो भी डाटा होगा उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सबसे पहले मैंने एक फॉर लूप लगाई है जिसके अंदर मैंने आई को 0 को इक्वल किया और आई लेस देन 5 की कंडीशन चलाई है। उसके बाद मैं यूजर से स्कैन डाटा ले रहा हूँ। आज मैं एक इजाफा करता हूँ, अगर आपको ये स्कैनर वाला समझ नहीं आया तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने ये डिटेल के अंदर समझाया हुआ है। मैं एक प्रिंटर लगाता हूँ कि एंटर 5 नंबर्स, ये मैंने एक यूजर से मैंने डाटा देने के लिए मैंने एक प्रिंटर यूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने नीचे एक फॉर लूप लगाई। फॉर लूप क्या काम करी है, स्कैनअप की जो स्टेटमेंट के बार बार रन करी अंटिल की ये जो कंडीशन है कि आई लेस देन इक्वल टू 5 ये फॉल्स ना हो जाए। यहाँ तक था हमारा पिछला काम। इसके बाद हम एक क्या करेंगे, कॉल फॉर लूप लगाएंगे। एक फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इंट आई करेंगे और उसको 0 के इक्वल इनिशलाइज करवा लेंगे और सेम वही कंडीशन लगाएंगे जो आई है वो लेस देन होना चाहिए 5 के, और आई के अंदर क्या कर दो, एक इजाफा कर दो। और ये होगी पेरेंट लूप। पेरेंट लूप के अंदर हम एक फॉर लूप लगाएंगे जिसको हम कहेंगे इनर लूप या चाइल्ड लूप, आप जो भी नाम देना चाहें। इसके अंदर मैं जे को डिक्लेयर करवा देता हूँ और जे की वैल्यू मैं रखवा देता हूँ 0 के, सेमी कोलन का साइन, और यहाँ कंडीशन सेम वही कि जे जब तक लेस देन है 5 से कंडीशन करते रो रन और जे के अंदर करते जो भाई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर एक और इसकी जो बॉडी आएगी तो इसकी बॉडी के अंदर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ इफ़ की। इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो अरे है आई वो लेस देन होनी चाहिए अरे जे के। क्या होना चाहिए, जो अरे आई है वो लेस देन होना चाहिए अरे जे के। अब मैं इसकी प्रिंट एफ की बॉडी के अंदर आऊँगा और इसकी बॉडी के अंदर मैं आके एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाता हूँ, ऊपर ही डिक्लेयर करवा देता हूँ उसको इंट टेम्प। टेम्प के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ, आप कोई भी नाम का करवा सकते हैं। अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया टेम्प के नाम से। अब टेम्प के अंदर मैं क्या करूँगा कि टेम्प के अंदर मैं एक वैल्यू को स्टोर करवाता हूँ और उसका नाम रखवाता हूँ अरे जे, मतलब अरे जे के अंदर जो भी वैल्यू होगी इस वक्त मौजूद वो उसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी। फिर मैं एक आगे कंडीशन लगाता हूँ कि अरे आई जो है वो इक्वल होना चाहिए अरे जे के। मैं अभी आपको सारा प्रोग्राम समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप लिखें अरे, फिर मैं आखिर में कहूँगा कि जो अरे जे है वो इक्वल आ जाए जो भी वैल्यू भरी हुई है टेम के, और सेमी कोलन लगाकर इसको ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद मैं इसकी फॉर लूप से बाहर आऊँगा, और जब इसकी फॉर लूप से बाहर आऊँगा पेरेंट वाली से बाहर आ जाऊँगा, और पेरेंट वाली के बाहर आने के बाद मैं एक और फॉर लूप लगाऊँगा, उसका मैं दोबारा आई करवाता हूँ और आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, जब तक ये लेस देन 5 है तुम क्या करो, एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लगाओ जिसके अंदर तुमने नंबर्स को प्रिंट करवाना है। कौन से नंबर्स को प्रिंट करवाना है, जो कि सी की लैंग्वेज के अंदर भरे हुए हैं, अभी सी की लैंग्वेज के अंदर कह रहा हूँ, आई के अरे के अंदर जो भी भरे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा परसेंटेज डी का साइन, और यहाँ मैं ब्लैक स्लैश एन भी लगा दूँगा। मैं आपको ये सारा प्रोग्राम समझाऊँगा, आप टेंशन ना लें, मैं आपके सर की तरह नहीं हूँ बिल्कुल भी, जो बहुत जल्दी आगे आगे बढ़ते जाए। और यहाँ सेमी कोलन लगा रहा हूँ और इसके आगे गेट सी एच वगैरह पहले से लग। तो ये मैं आपके सामने एक प्रोग्राम लिख चुका हूँ जो कि सारे की सारी जो अरेज होगी उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेगा, मतलब पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और आखिर में सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी। अब इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले तो मैंने यूजर से स्कैन एफ फोर एक लूप यूज़ करके डाटा मंगवाया है, 5 बार चलाई, क्योंकि मैं स्कैन एफ को 5 बार भी लिख सकता हूँ लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम को लेंथी कर देगा। तो यहाँ सिंपल एक फोर लूप लगाकर जब तक आई 5 से छोटा है तो तुम डाटा मंगवाते रहो। अब मैं दोबारा यहाँ आपको क्लियर करता जाऊँगी, जो आई इक्वल टू 0 लिखा ये बेसिकली इंडेक्स के बारे में बात करता हूँ, कि जब भी हम अरे के अंदर बात करते हैं, अरे का डाटा जब भी हम यूजर से मंगवाते हैं तो हम ऐसे 1 करके मंगवाते हैं, मतलब इसका वैल्यू होती है कि जो भी डाटा होगा इंडेक्स 1 के अंदर उसको ले आओ मेरे पास। अगर मैं यहाँ 0 लिख दूंगा तो वो 0 के बारे में बात कर रहा है। अब अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है i लिखा हुआ है, तो i लिखने का मकसद ये कि जब i की वैल्यू यहाँ 0 है तो यहाँ 0 वाला डाटा स्टोर करवा दो, जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद 1 हो चुकी है तो यहाँ 1 वाला डाटा ले आओ, जब i की वैल्यू 2 हो चुकी है तो यहाँ 2 वाला डाटा ले आओ। ये डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, ये वाला हमने काम कर लिया हुआ पहले। अब ये आ चुकी है फॉर लूप।
अब मैंने यहाँ एक फोर लूप ले ली ली है जिसके अंदर मैंने आई की वैल्यू जीरो के इक्वल डिक्लेयर करवा दिया। मैंने कहा कि जब तक आई जो है वो फाइव से लेसन होगा तुमने एक कंडीशन रन करते रहना है। आपने देखा आई की वैल्यू जीरो है, जीरो लेसन फाइव होती कंडीशन टू है, नीचे आ जाएगा इनर लूप के अंदर। इनर लूप के अंदर आके देखेगा कि मुझे एक वेरिएबल मिल गया जिसकी वैल्यू इस बार क्या है जे। जे को जीरो के इक्वल करवाया, जीरो जो है वो लेसन है फाइव से, ठीक है जे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आने के बाद से देखा कि अरे वन आई जो है वो लेसन होनी चाहिए अरे जे के, ये समझने वाली बात है। अब अरे आई से मुराद क्या है कि हाँ अभी देखें आई की वैल्यू कितनी है जीरो, तो यहाँ कौन सा इंडेक्स नंबर आ जाएगा जीरो। अभी जे की वैल्यू कितनी है जीरो, तो यहाँ कौन सा इंडेक्स आ जाएगा जीरो। मतलब जो भी यूज़र ने जो भी हमें अरे गिवन दी होगी वहाँ हम देखेंगे जो जीरो की वैल्यू है आई के ऊपर और जो वैल्यू है जे के ऊपर। सिंपली तौर पर हमारे पास एक अरे है, फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से वैल्यू ले लेता हूँ फाइव फाइव कोमा टू टू थ्री, ये पांच वैल्यूज दे दी हैं। अब आई की जीरो के ऊपर क्या वैल्यू है 55 और जे की जीरो के ऊपर भी क्या वैल्यू है 5। अब यहाँ जे और आई कोई भी काउंटिंग मतलब कोई भी करेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करी, बेसिकली इनको रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल अभी जे की वैल्यू जीरो है, यहाँ कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अभी आई की वैल्यू कितनी जीरो है, तो यहाँ कितना आ जाएगा जीरो। अब हम अगर जाएँ तो हम ये भी लिख सकते हैं अरे ज़ीरो इस लेसन एक लेसन टू अरे ज़ीरो, लेकिन हमें बार बार ये कोडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हम अगर इनकी जगह आई क्या आ गया, अगर हम इनकी जगह सिंपल आई लगा दें और यहाँ मैं जे लगा देता हूँ, तो जब इंक्रीमेंट होता जाएगा इनकी वैल्यू खुद ब खुद ज़्यादा होती रहेगी। अब यहाँ मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझाने की कोशिश की थी, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि अभी जे और आई की वैल्यू कितनी कितनी है यार, क्या हो रहा है ये, अभी जे और आई की वैल्यू कितनी कितनी है ज़ीरो ज़ीरो। तो वो देखिएगा कि क्या 55 स्मॉलर देन है 55 की, नहीं। अगर स्मॉलर नहीं है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी। कंडीशन फोर्स हो जाएगी तो वो आ जाएगी जे के ऊपर। अब जे की वैल्यू के अंदर क्या हो जाएगा, एक किस्म का इंक्रीमेंट हो जाएगा। जबकि जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू वन से कितनी इंक्रीज हो जाएगी इस बार वन। आप देखिएगा कि जे की वैल्यूज के ऊपर जो वन है, मतलब ये इंडेक्स जीरो है, ये वन है, ये टू थ्री और फोर। देखिएगा कि जो इंडेक्स वन के अंदर वैल्यू भरी हुई है क्या वो ग्रेटर है इंडेक्स जीरो के, तो इसका आंसर है नहीं। इंडेक्स जो टू की जो वन की वैल्यू है वो ग्रेटर नहीं है इंडेक्स जीरो से, तो मतलब कंडीशन फोर्स दोबारा आ जाएगा। इस बार जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू। जब जे की वैल्यू टू होगी तो देखिएगा क्या टू के ऊपर जो वैल्यू भरी हुई है जो जीरो से ग्रेटर है, तो अभी भी 22 जीरो से ग्रेटर नहीं है, तो मतलब ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी फोर्स हो जाएगी। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री। जब जे की वैल्यू थ्री हो जाएगी वो देखिएगा कि जो तीसरे नंबर पर इंडेक्स भरा हुआ है क्या वो ग्रेटर है, हम कहेंगे अभी भी वो ग्रेटर नहीं है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ भी कंडीशन क्या हो जाएगी फोर्स। अब जे की वैल्यू हो जाएगी फोर। अब हम देखेंगे कि जो जे की वैल्यू फोर वाले इंडेक्स के ऊपर भरी है क्या वो ग्रेटर है जीरो के ऊपर, तो यहाँ फोर के ऊपर क्या भरा हुआ है 66। 66 ग्रेटर है जीरो वाले इंडेक्स के ऊपर, तो इसका आंसर हाँ है। जब ये कंडीशन टू होगी तो वो इनर लूप के ऊपर आ जाएगी। इनर लूप के अंदर जो टेम्प है, मैंने कोई भी वेरिएबल करवाया हुआ, आप जो दिल करता आप नाम से करवा सकते हैं, जो टी ई एम पी वाला एक वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर करवानी है, ए आर आर आई की अरे वाला वैल्यू स्टोर करवाना है। अभी आई की यहाँ वैल्यू कितनी है जीरो, तो मतलब जीरो इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू भरी हुई है अरे के अंदर वो स्टोर करवा दो टेम्परेचर के अंदर। तो 55 वैल्यू थी अभी जीरो के अंदर, यहाँ जीरो 55 आ गया। अगली कंडीशन के अंदर कहते हैं कि अरे जो आई है उसके अंदर साइन करवा दो अरे जे की वैल्यू। अरे आई की इस वक्त क्या वैल्यू है, इंडेक्स किया है इसका जीरो, और अरे जे के अंदर कौन सी वैल्यू भरी है फोर्थ वाली जो कि क्या 66। मतलब अरे जीरो के अंदर क्या डाटा स्टोर करवा दो 66 का। अगली स्टेटमेंट के अंदर कहते हैं कि अरे जे के अंदर आप वैल्यू स्टोर करवा दो टेम की। अरे जे की जो वैल्यू है इस वक्त वो है फोर इंडेक्स की, मतलब 66, वो तो हमने इसको अरेंज करवा दिया। अब उसके एक नई वैल्यू असाइन हो जाएगी जो कि होगी टी ई एम पी की, टेम्प की, और टेम्प की इसके बाद वैल्यू स्टोर करवाई तो उसने क्या करवा दिया इसके अंदर 55 को स्टोर करवा दिया। अब जब ये लूप खत्म हो जाएगी ऊपर जाएगा, अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 जब हो जाएगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी फोर्स। जब कंडीशन फोर्स हो जाएगी वो निकल जाएगा मेन लूप के ऊपर, मेन लूप के ऊपर आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी वन, फिर आई की वैल्यू टू थ्री फोर और फोर की जब होगी तो वो सो ऑन बार बार जे को भी बार बार अपने साथ रन करता जाएगा। पहले इन दो वैल्यू को कंपेयर करेगा, फिर इन दो वैल्यू को
फिर इन दो वैल्यू को, फिर इन दो वैल्यू को, या पहले इसको इसके साथ करेगा, फिर इसको इसके साथ करेगा, फिर पहली को फोर्थ के साथ करेगा, फिर पहली को फिफ्थ के साथ करेगा, ऐसे कर देगा। अब इस एक पहली लूप चलने के बाद जब आई की वैल्यू ज़ीरो होती तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया तो हम देख सकते हैं कि पहली जो इंडेक्स है वहाँ कौन सी वैल्यू आ चुकी है 66 की, दूसरा 44 ही रहा, फिर 22 ही रहा, और जो पहले नंबर पर जो भी इंडेक्स लिखा हुआ उन्होंने 55 का वो मूव हो किस पे चले गया 5 पे। ये अभी सिर्फ पहले इंडेक्स का आंसर है, और आगे जाके फर्दर हम देखेंगे जो हमारी जो आउटपुट निकलेगी वो निकलेगी लेफ्ट साइड पे सबसे छोटा वैल्यू का और राइट साइड पे सबसे बड़ा वैल्यू। अब हम इसे सेंडिंग के प्रोग्राम को करते हैं डीबग करने की कोशिश, और देखते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे मुताबिक आती है कि नहीं आती। तो सबसे पहले मैं इस डीबग वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या निकलती है हमारे सामने। तो इस वक्त कंपाइलर इसको कंपाइल करने की कोशिश कर रहा है, कंपाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है, और देखते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे सामने किस तरह की आती है। वेटिंग फॉर द टर्मिनल प्रोसेसिंग, तो यहाँ हो चुका है रन। मैं पहली वैल्यू एंटर करने की कोशिश कर, उन्होंने कहा कि एंटर 5 नंबर कर, तो पहला 4 एंटर करता हूँ, 55 77 2 3। तो देखो इसकी जब इसने आउटपुट शो करवाने की कोशिश की तो मुझे सारे नंबर एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर दे दिए, मतलब पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 55 और आखिर में 77। मतलब हमारा ये जो प्रोग्राम है काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना हो तो मेरे लिए क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना, तो हम सिंपल यहाँ आकर इसको ग्रेटर देन का साइन कर देंगे, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन करेंगे। उसके बाद मैं इसको दोबारा रन करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि इस बार इसकी जो आउटपुट आती है वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आती है, मतलब सबसे पहले बड़े वाली वैल्यू भी छोटी भी छोटी भी छोटी। इसका डायर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है आपके लिए, और आप इंशाल्लाह उसको कर लेंगे। और करने की कोशिश करते हैं इसको, और यहाँ मैं इसको 5 नंबर देता हूँ, पीछे आ जाओ भाई, 2 2 4 4 1 5 5। अब देखिए इसने इस बार भी इसको असेंडिंग ऑर्डर में दिया, क्योंकि मैंने इसको डिलीट नहीं किया था। अब मैं इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करवाना चाहता हूँ, मतलब सबसे पहले बड़ी वैल्यू आए, पे छोटी पे छोटी पे सबसे छोटी, और लास्ट पे सबसे छोटी वैल्यू। सिर्फ एक ही चेंज करना है, वो चेंज क्या करना है कि जहाँ पहले स्मॉल देन का साइन लगा था वहाँ मैंने क्या लगा देना है, ग्रेटर देन का साइन इफ़ वाली कंडीशन के अंदर। इफ़ की कंडीशन के अंदर सिर्फ एक साइन का चेंज करना है और वो आपके सारे के सारे रिजल्ट को चेंज कर देगी। और यहाँ ये कंपाइलर उसको रन करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ मेरे सामने आउटपुट आ चुकी है कि एंटर 5 नंबर करो, पहला 22 34 44 55 और 1। आप देख सकते हैं इस बार ने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर में सेंड किया, पहले 55 फिर 44 34 22 और लास्ट के ऊपर 1। तो ये हमारा प्रोग्राम काफ़ी अच्छे तरीके से रन हो रहा है।